नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आदरणीय द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की एक कविता रख रहा हूँ। वर्तमान में पूरी दुनिया के सम्मुख जो एक विकराल समस्या खड़ी हुई है, उस समस्या से निपटने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है, स्नेह के दिए जलाने का आह्वान किया है। इसी प्रकरण से जुड़ी हुई एक कविता मुझे याद आ रही है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने यह कविता बहुत पहले किसी संदर्भ में लिखी होगी, लेकिन आज के इस घटनाक्रम पर पूरी तरह से सटीक बैठती है, इसलिए मैं आपके सामने इस कविता का पाठ कर रहा हूँ। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। आदरणीय द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी कविता की शुरुआत में ही कहते हैं कि जो दिए जलाने हैं वो स्नेह से भरे हुए होने चाहिए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। आगे वो कहते हैं कि विज्ञान निश्चित तौर पर वो शक्ति है जो अंधेरे को उजाले में बदलती है, मगर आज जब दिन में ही पूरी दुनिया पर अंधेरा छा गया है, तो यह विद्युत के दिए हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, हमें कोई पथ नहीं दिखा पाएंगे। इसी संदर्भ में वो कहते हैं, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। इन्हें बुझाओ, विद्युत के दिए बुझाओ और स्नेह से भरे हुए दिए जलाओ। यह काम भारतीय मनीषी पहले करते रहे हैं, इसीलिए भारतीयों को आवाहन है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ये प्रयास करते रहो, एक न एक दिन अवश्य तिमिर का किनारा मिलेगा। आगे कहते हैं, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। ऐसा होता रहा है कि दिए जलाने के प्रयास होते रहे हैं और वो सफल नहीं हो पाए, किंतु वो जो दिए तुमने जलाए थे, आगे कहते हैं, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, उसी से उजाला आएगा। अंतिम बंद में वो कहते हैं, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। एक भी दिया अगर जो धरा पर है, तो यह संकेत है कि एक आशा जिंदा है और उसी आशा के सहारे हमें इस अंधेरे से जूझना है, हमें इस अंधेरे को समाप्त करना है। पूरी मानवता के सामने जो अंधेरा खड़ा हुआ है, वो अंधेरा इस दिए के प्रयास से दूर होगा। इसीलिए आज हम सब मिलकर शाम को 9 बजे दिए जलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।